ग्यारह नाइन ट्रांसफर प्राइसिंग में है तो हाँ, एक चीज बताना है। अच्छा, मेरे राजा पेज ये रहा 9.26 है, 2 रेट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। आइए, ये ऐसे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है बट केस स्टडी व्यू पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग कैसा ट्रांसफर प्राइसिंग है, ध्यान से सुन लेना। इसमें जो ट्रांसफरर है वो अपना ट्रांसफर को कॉस्ट प्लस प्राइस पे लिखेगा। कॉस्ट प्लस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेके रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। ट्रांसफरर विल रिकॉर्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट ट्रांसफरी को जब वो गुड्स भेजेगा तो अपना कॉस्ट भी बता के भेजेगा। तो ट्रांसफरी जब उसको एज अ परचेज रिकॉर्ड कर रहा है तो वो ट्रांसफरर का इनवॉइस वैल्यू पे नहीं कर रहा है, ट्रांसफरर का कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है। दैट इज ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग। द परचेजिंग डिविजन रिकॉर्ड्स ट्रांसफर प्राइस एट मार्जिनल कॉस्ट, रिकॉर्डिंग परचेजेस एट मिनिमम कॉस्ट। मैंने एक सिचुएशन भी समझाया था ऐसा क्यों करते हैं। अब समझिए, जो प्रोडक्ट है उसको एक नए मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। ट्रांसफरर ने बना के इसको भेज दिया। ट्रांसफरी को डर था कि ऐसा प्राइस ना बोल दूं नए मार्केट में जाके जिसे कंपनी को नुकसान हो जाए। तो ट्रांसफरी रिक्वायर्ड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच ही रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स so that he can fix transfer sell price of his goods in such a way that company doesn't incur any loss. Maybe that this division will not earn that much profit, or maybe that division ne jo apne liye profit record kiya hai wo actually earn nahi bhi hoga. Isko class mein bhi bataya gaya tha, ek bar fir se explain kar dete hain. Kisi division A hai aur division B hai, इसने एक चीज बनाई जिसका कॉस्ट है 50 रुपया, बट ये ट्रांसफर उसको कर रहा है 70 रुपये, तो प्रॉफिट आ गया 20। बी को एक्चुअली जब ये मिलेगा तो ही शुड रिकॉर्ड इट एट 70, बट इन डुअल ट्रांसफर प्राइसिंग इज रिकॉर्डिंग दिस इनपुट एज 50 रुपीज। ही नीड्स द प्रॉपर डिस्क्लोजर। देन ही हैड हिज ओन कॉस्ट which is say 30 rupees, so total cost came as 80. So to capture some market, if he needs to fix price at 85, he can do so because he know ki aise karne se company ka jo profit hai wo 5 rupya aayega hi aayega, company ko loss nahi hoga. Correct? Goal congruency ke liye kar hai sab, ye soch raha company ka fayda. जो भी डिवीजन कंपनी का फायदा सोच के कुछ करता है तो वो गोल कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, अब अगर यही 70 पे रिकॉर्ड किया होता तो 100 उसको मिनिमम प्राइस दिखता, वो 85 में मार्केट कैप्चर कर ही नहीं पाता। तो यही डुअल पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग है, डुअल पार्ट या डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग है। ठीक है, इसमें एक फ्लॉ है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट 5 है, जो डिवीजन बी का प्रॉफिट है, बीज प्रॉफिट इज इक्वल टू कंपनीज प्रॉफिट। बट इन जनरल इन ट्रांसफर प्राइसिंग हाउ वी से कंपनीज प्रॉफिट हैज अराइव्ड, कंपनीज प्रॉफिट इज सपोज टू बी ए प्लस बी का प्रॉफिट। तो क्या कंपनी के पास 25 रुपए प्रॉफिट आया? नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू एडजस्ट दिस 20 रुपीज। मतलब कंपनी में क्या होता होगा, कॉन्सोलिडेशन, इसका बुक्स ले लो, इसका बुक्स ले लो, मिला दो। और वो सॉफ्टवेयर कर रहा है या फिर कोई जूनियर स्टाफ कर रहा है, तो जूनियर स्टाफ तो मिला देगा 20 प्लस 5 25,
कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है 25, वो तो रॉन्ग है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इज इक्वल टू बीज प्रॉफिट. तो यू कैन नॉट राइट कंपनीज प्रॉफिट इज 25. इफ यू आर राइटिंग 25, यू हैव टू एडजस्ट दिस 20 अगेन. ये यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉबैक, इट कैन कॉम्प्लिकेट द रिकॉर्ड्स, देयर मे बी रिजल्ट इन एरर्स इन कंपनीज ओवरऑल रिकॉर्ड्स. प्रॉफिट शोन बाय द डिविजन्स आर आर्टिफिशियल एंड नीड टू बी यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल इवैल्यूएशन. है ना, क्लास में भी हुआ है, रिविजन करा रहे थे, क्योंकि इसी का एक जुड़वा भाई है. डुअल रेट का एक नाम और दिया हुआ है, टू पार्ट. अब ये नहीं पढ़े तो आप दोनों में मिक्सअप कराएंगे. डुअल रेट का एक भाई है, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, टू पार्ट. अब ये दो पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ट्रांसफरर को बोला जाता है, आप जो ट्रांसफर प्राइस कोट कर रहे हैं उसका दो पार्ट में कोटेशन देंगे. कैसा दो पार्ट, जैसे ट्रांसफरर के यहां पे जो टोटल कॉस्ट है उसका फिक्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, प्लस प्रॉफिट भी चाहिए. तो यहां पे बोला जाएगा आप फिक्स कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ के एक रिकवर करो और दूसरा फिर बता दो वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या चाहिए. समझ में आ रहा है सिनेरियो, ट्रांसफरर को क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रांसफर ही, हम खरीदने वाले ट्रांसफरर से, उसको क्या बोलेंगे. ऐसे नहीं कि 70 रुपया बोल दिया, ब्रेकअप में बोलिए, एक फिक्स्ड वाला अमाउंट बोल दीजिए, लमसम आपको 10 लाख रुपया चाहिए, तब हम लोग का रिलेशन शुरू. फिर वेरिएबल भी बता दीजिए कि हर यूनिट का 15 रुपया चाहिए, दोनों बताइए. तो मुझे अगर 100 यूनिट मंगाना है तो मैं आपको 10 लाख एक बार पूरा ग्रॉस दे दूंगा और फिर जितना यूनिट मंगाना होगा उसके हिसाब से 15 रुपए करके देता रहूंगा. एक यूनिट मंगा तो 15 रुपए दूंगा, 1000 यूनिट मंगाऊंगा तो 15,000 दूंगा, 1 लाख यूनिट मंगाऊंगा तो 15 लाख दूंगा, कुछ नहीं मंगाऊंगा तो सिर्फ 10 लाख दे दूंगा, फिक्स्ड अमाउंट दे दूंगा यूनिट वाइज. फिर मुझे जैसा जरूरत पड़ेगा मैं वेरिएबल कॉस्ट आपको पे करता रहूंगा. बहुत यूनिक है, कंफ्यूजन एरिया है, इसलिए एक बार बता दिया. देखिए यहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस अ लमसम चार्ज विच इज फिक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर. अब उसमें प्रॉफिट भी वो इंक्लूड कर सकता है, मे इंक्लूड प्रॉफिट. देखो कॉन्सेप्ट को ऐसा ध्यान से सुन लो कि बुक बिना खोले भी नाम से क्लिक करना चाहिए. टू पार्ट, दो पार्ट का मतलब है, दो पार्ट का मतलब है कि ट्रांसफर प्राइस का दो पार्ट होगा, एक फिक्स्ड वाला एक वेरिएबल वाला. और डुअल रेट, डुअल पार्ट नहीं, डुअल रेट मतलब ये अलग रेट पे बेच रहा है, वो अलग रेट पे रिकॉर्ड कर रहा है. टू पार्ट में एक ही प्राइस का दो भाग किया जा रहा है. इसका ये केस स्टडी भी है जो आप लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी, हमारे मैट में भी दिया हुआ है, हमारे मैट में भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे.